मुझसे ने ये सवाल पिछले 1.5-2 सालों में बहुत दफ़ा पूछा गया है कि भाई तूने एवेंजर 150 स्वीट ली तो ली क्यों? क्योंकि ना उसका मेंटेनेंस कम लगता है और ना वो तो एवरेज ज़्यादा होगा देती होगी ऐसा लगता है। मतलब है ही भाई कि एवरेज बहुत कम, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा, तो ऐसा क्या रीज़न है कि तू 150 cc की बाइक पर इतना पैसा इन्वेस्ट करता है? तो यार कुछ चीज़ों की ना कहानियाँ बहुत शुरू से होती है और बहुत लंबी होती है, तो आप कहानी सुने और एंजॉय करें। उसमें मुझसे पूछे गए सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आई होप सो कि सारे डाउट क्लियर हो जाए, आपको पता लग जाए कि आपको एवेंजर 150 स्ट्रीट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज दिस वीडियो इज ऑल अबाउट बाइक। ये कहानी शुरू होती है कुछ 2010-2012 के दरमियान। तब मैं भी 10-12 साल का बच्चा हुआ करता था, और एक चीज होती है ना कि बच्चे जिस चीज से अट्रैक्टेड होते हैं हर दफा उसका ही सपना देखना। तो जब भी वो सोया हुआ रहता था ना, तो मैं जिंदगी में एक ही सपना देखता था कि यार क्या अमेजिंग चीज है प्लेनेट पे, और कब यार आई विश कि मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करने मिले लाइफ में, समथिंग हाइपर। और वो थी कार्स एंड बाइक्स, मतलब द हाइपर कार्स, हाइपर बाइक, जिनमें कुछ स्पेशल हो, कुछ थोड़ा अबाउट द लिमिट हो। तो फिर थोड़े बड़े हुए, तो बड़े होते होते मैंने मतलब देखना शुरू किया कि ये किस फील्ड के स्टडी में आता है, क्या होता है, क्या क्या रिसर्च होती है, कैसे बनती है, कैसे वर्क करती है। तो फिर तब जाके पता चला कि दिस ऑल कम्स अंडर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्पेशलाइज ऑटोमोबाइल, बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओवरऑल आप ले सकते हो। तो फिर वैसे ही करते करते मैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, बाइक के शौक के और कार के शौक के चलते। और मेरा मैकेनिकल इंजीनियर होने का और एवेंजर खरीदने का संबंध कहाँ आता है? तो एक डायरेक्ट संबंध ऐसा कि आप वो चीज़ पढ़ रहे हो और आपको वो चीज़ से उतना प्यार, तो आप जाके ट्राई हार्ड करते हो कि यार लाइफ में कुछ कर ला कर, पहले ये ले लें। तो उसके चलते मैंने एवेंजर ली, बट और एक रीज़न था मेरा एवेंजर लेने का। पर दूसरी और इनडायरेक्ट सी वजह ऐसी कि मेरा घर और कॉलेज के बीच का जो फासला है वो कुछ भी 5 से 6.5 किलोमीटर के आसपास अराउंड आता है। तो उस एवरेज डिस्टेंस को तय करने के लिए आप 3 तरीके से कर सकते हो। एक तो आप बस का पास निकाल के चल जाए, दूसरा चीज़ आप साइकिल लेके चल जाए, और तीसरा चीज़ आपका पर्सनल व्हीकल से जाए, क्योंकि हमारी कॉलेज की बस बॉयज़ के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम तीसरा रास्ता अपनाए, खुद की बाइक ले और बाइक से जाए। तो उस वक्त तो मैं कुछ था 17 साल का, तो लाइसेंस तो नहीं होगा, साजिक सी बात आपको पता है। तो पापा ने मुझे तब खरीद के दी अ मेस्ट्रो, जो हीरो की मेस्ट्रो आती थी ना वही, बट वो भी मेरी पहली गाड़ी नहीं थी, वो थी मेरी दूसरी गाड़ी। मेरी पहली गाड़ी थी स्कूटी ईयर्स करके, जो मैं कुछ 7th-8th स्टैंडर्ड से लेके तो 10th स्टैंडर्ड तक यूज़ किया, ट्यूशन जाने के लिए और कुछ घर के हाउस होल्ड वर्क, छोटे मोटे काम करने के लिए, मार्केट जाने के लिए, कुछ ऐसे कामों के लिए। तो फिर उसके बाद में हमने कॉलेज में आके मेस्ट्रो ली, बट मेस्ट्रो का मसला कुछ ऐसा हो रहा था कि गाड़ी के चक्के थे छोटे और थी वो मोपेड, तो बारिश के दिनों में जब हम हाईवे पे से जाते थे तो पानी पे से वो बहुत बार स्लिप होती थी, और 2 बार मैं खतरनाक तरीके से उसमें से गिरा। उसके बाद में फिर मैंने सोचा और पापा को बोला कि पापा आई वॉन्ट ए बाइक नाउ, और पापा बोले ठीक है चल तेरे लिए बाइक ले लेते हैं। और उस पॉइंट पे मतलब मेरे नसीब इतने अच्छे, मतलब ये टर्निंग पॉइंट है कि मैंने एवेंजर खरीदी यूज करी थी। मैं एवेंजर खरीदता ही था, मतलब अभी नहीं तो मैं फ्यूचर में कभी जाके खरीदता था, बट वो मुझे अभी कैसे मिली कि एक ऑफर आया बाइक का कि एवेंजर यू विल गेट अराउंड 60 या 65 हज़ार के आसपास, सेकंड हैंड है, नई बाइक नहीं है। और नई गाड़ियों का शौक मैं करता भी नहीं हूँ, बिकॉज वो स्टार्टिंग का कुछ पीरियड होता है ना, 5-10 हज़ार किलोमीटर उतना जो चलाना होता है एकदम लिमिट में, वो मज़ा अपने को आता नहीं है। कभी लेंगे नई गाड़ी, अब कभी शौक करेंगे, बट अभी फिलहाल तो नहीं है। तो मैंने वो गाड़ी ली एवेंजर, कुछ तो भी 60-65 अराउंड पड़ी मुझे, 50-60 पूरा घर में, मतलब इंश्योरेंस इंश्योरेंस निकाल के घर के सामने खड़ी करके इतना पैसा मुझे लगा वो टाइम पे। तो ये भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे एकदम बजट फ्रेंडली बजट में वो गाड़ी मिल गई। और यार आपको तो पता है कि एवेंजर का सपना था हम बचपन से देखते थे, क्योंकि ये बात कुछ इंड्यूस्ड हुई थी मुझे में 2015 के आसपास, कि जब मैंने एवेंजर नया नया आया था और वो तब रेड और ब्लू कलर में भी आता था, मतलब तब मैंने नया नया देखा था, तो इतना अमेजिंग लगा। मैंने कहा यार तो लो राइड हाइट, हैंडल बार आगे पकड़ के, भाई टर्शन ही टर्शन है गाड़ी में, मतलब गाड़ी का अपना ही एक अलग स्वैग है। और ऐसी गाड़ियां मैं पहले देखता था जो टीवी शोज में, तो उसमें सिर्फ मैंने देखे हार्ली डेविडसन्स, तो भाई मैंने कहा ये तो हार्ली डेविडसन का बच्चा है, और ये महंगी कितनी होगी? बट फिर हमें पता चला कि महंगी नहीं है, बजट फ्रेंडली, मतलब इतनी भी बजट फ्रेंडली नहीं है, बट फिर भी कम बजट में मिलती है। तो तब से दिमाग में तो था कि एवेंजर लेनी है, तो फिर फाइनली हमने जाके एवेंजर ली, और एवेंजर का भी एक्सपीरियंस बता दो कैसा रहा। अगर मुझे कोई पूछे कि भाई मेरे पास में पैसा है, मुझे 1 लाख तक गाड़ी लेनी है नई, और अगर सेकंड लेनी है तो कब में मिल जाती है, तो भाई मुझे बजट में गाड़ी लेनी है तो मैं गाड़ी कौन सी लूँ, तो मेरे मुंह से पहला शब्द यही निकलता है भाई अगर 150 cc में लेनी तो जाके एवेंजर ले रहा, क्योंकि इससे अच्छी गाड़ी मैंने ये सेगमेंट में एक्सपीरियंस ही नहीं करी। हाँ मतलब अगर आपका क्लासिक टेस्ट नहीं है तो फिर आप R15 ले लें, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है,
बट अगर आपका क्लासिक टेस्ट है तो आप एवेंजर छोड़ के कुछ भी ना ले, बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड मेरे दिल के पास है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना स्मूथ है, गाड़ी चलती सही से है, गाड़ी लंबी, हाँ टर्न मारने में थोड़ा सा तकलीफ होता है बट इट्स नेग्लिजिबल उसके फील के सामने, क्योंकि बिकॉज इट्स गिव्स यू अमेजिंग फील वाइल ड्राइविंग, कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, गाड़ी के टायर बड़े होने की वजह से कंट्रोल भी बहुत अच्छा है, गाड़ी पीती है, पेट्रोल पीती है बट इतना भी नहीं पीती है, मेंटेनेंस वो महंगी है बट यू कैन अफोर्ड इफ यू लव द बाइक। और ऐसा होता है ना कि आप कुछ अब 2 इंच कम ले यार आपका काम हो जाएगा, वैसे वाली बात है। तो अगर आपको पसंद है गाड़ी तो गो एंड गेट एवेंजर, इट्स वन ऑफ द क्लासिक एंड बेस्ट बाइक यू कैन हैव इन दिस बजट सेगमेंट। हाँ इसे आपके ऊपर पैसा है तो आप ले सकते हो अच्छी गाड़ी, बट इस सेगमेंट में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यू कैन हैव। अभी हम आपसे विदाई लेते हैं, मतलब अलविदा कहते हैं आपको, और आप गाड़ी के सिनेमेटिक्स एंजॉय करें, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ, और मिलते हैं कल एक अगली नई वीडियो में। और एक आखिरी बात कि आप लोगों में से जो भी सोचते हैं ना कि यार 150 cc की गाड़ी चलाने में क्या ही मज़ा आता होगा और क्या ही वो फील आती होगी बाइकिंग की, तो मैं मेरे दिल के एक जो बहुत ही कॉन्फिडेंट कोना है उससे बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने ना कभी R15 चलाई है, ना कभी एवेंजर 150 cc चलाई होगी, और ना कभी अपाची RTR 160, 10 से ज़्यादा है बट केसेस सेम।